नमस्कार, आज हमारे चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। देखिए, मैं चावल के आटा के लड्डू बनाई हूँ। ये बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत ही हेल्दी होता है। ज़रूर आप भी एक बार बनाइए और खाइए। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए, चावल के आटा के लड्डू बनाना शुरू करते हैं। चावल के आटा के लड्डू बनाने के लिए या कसार बनाने के लिए हम फ्लेम चालू करके इस पे कढ़ाई रख दिए हैं। फ्लेम हमारा लो टू मीडियम होनी चाहिए। एक तिहाई कप सफ़ेद तिल भून लेंगे। इसको बिना घी डाले ही भूनेंगे। इसको थोड़ा ब्राउन होने तक भून लेंगे। तिल हमारा भुन गया है। तिल को भुनने में 2 मिनट लगता है। अब इसको एक हम बाउल में निकाल लेते हैं। फिर से फ्लेम पे हम अपना कढ़ाही रख देंगे। अब इसमें 2 चम्मच घी डाल देंगे। फ्लेम हमारा बिल्कुल मीडियम रखें। अब इसमें 2 कप चावल के आटा डाल देंगे। आप चाहें तो चावल के पीस के भी बना सकते हैं। ये हमारा 2रा कप है। फ्लेम को लो टू मीडियम कर देंगे और इसको भूनते रहेंगे। बराबर इसको चलाते रहेंगे। जितना ही अच्छा हमारा चावल के आटा भुनेगा, उतना ही अच्छा हमारा लड्डू या कसार बन के तैयार होगा। 10 मिनट हो गए हैं भूनते हुए। अब इसमें हम 1/2 कप नारियल के बुरादा डालेंगे। ये ऑप्शनल है, डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। अब इसमें कटी हुई बादाम डाल देंगे। अब इसमें बारीक कटी हुई काजू डाल देंगे। हम 1-1 बड़ी चम्मच काजू और बादाम डाले हुए हैं। अब हम 2 चम्मच फिर से घी डाल देंगे इसमें। और इसको हम 5 मिनट तक भूनेंगे। फ्लेम हम लो टू मीडियम रखेंगे। इसको टोटल भूनने में हमें 15 मिनट लग गया है। इसको बिल्कुल हम लो टू मीडियम फ्लेम पे भूने हैं। बहुत अच्छा तरीका से हमारा भून के तैयार हुआ है, देखिए। अब इसको फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसको 2-3 मिनट ठंडा होने देते हैं। 5 मिनट हो चुके हैं। चावल के आटा हमारा ठंडा हो चुका है। इसको फिर से हम चला लेते हैं। अब इसमें 1 कप पीसी हुई चीनी डाल देंगे, या आप इसके जगह भूरा भी डाल सकते हैं। अब इसमें भुनी हुई तिल डाल देंगे। अब इसमें इलायची पाउडर डाल देंगे। इसको मिक्स कर लेंगे। ये अच्छे तरीके से ठंडा हो गया है। इसको अब हम हाथों से पहले मस लेंगे, ऐसे ऐसे करके सारे चावल के आटा के पहले अच्छे तरीक़े से मसल लेंगे। मसल के मिक्स कर लेंगे, फिर लड्डू बनाएंगे। ऐसे ऐसे जितना ही अच्छा हम मसलेंगे, उतना ही अच्छा हमारा लड्डू बन के तैयार होगा। और बिल्कुल मिक्स होने से स्वाद भी काफ़ी आएगी, इसलिए हम अच्छे तरीके से हाथों पे मसल रहे हैं। ये अच्छे तरीके से मसल दिए हैं। अब इसको हम एक साइड कर देते हैं ऐसे। अब थोड़ा जितना लड्डू बनाना है उतना, 2-2 लड्डू के लेके हम 1 कप गुनगुना पानी लेंगे। इसको हम 2 लड्डू के बराबर चावल के आटा लेंगे
इसमें थोड़ा थोड़ा डाल के मसल मसल के लड्डू बनाएंगे हाथों से। आप चाहें तो पानी के जगह घी के भी यूज कर सकते हैं। एक्चुअली हमने बहुत ज़्यादा घी यूज किया हुआ है, इसीलिए हम पानी से मसल के लड्डू तैयार कर रहे हैं। ज़्यादा घी हो जाएगी, थोड़ा थोड़ा करके मसलते जाएंगे और लड्डू तैयार करते जाएंगे दोनों हाथ से ऐसे मसल मसल के। अब हम हाथों पे अपने चावल के आटा लेंगे, ऐसे ऐसे करके लड्डू तैयार करेंगे। देखिए कितना अच्छा हमने लड्डू तैयार कर लिए हैं, बिल्कुल गोल और कितना सुंदर दिख रहा है। अब एक हम प्लेट लेंगे, इसमें अपने लड्डू को रखते जाएंगे। इसी तरह हम दूसरा भी लड्डू तैयार कर लेते हैं। सारे चावल के आटा के लड्डू बना के हम तैयार कर लिए हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही यम्मी लगता है। कितना अच्छा हमारा बना है। ये यूपी और बिहार में बहुत फेमस है। इसको चावल के आटा के लड्डू भी बोल सकते हैं या कसार भी बोल सकते हैं। अगर हमारी ये चावल की आटा के लड्डू आपको पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।